दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। कई सालों से भारतीय बाजार में फेयर एंड लवली क्रीम का राज चल रहा है। दरअसल ये क्रीम चेहरे पर निखार लाती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये क्रीम फैक्ट्रियों में कैसे बनती होगी? तो दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि फैक्ट्रियों में फेयर एंड लवली कैसे बनाई जाती है। अगर आप भी इस क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस क्रीम में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है। वहीं आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सैट्रिक एसिड, सैटली अल्कोहल यूएसपी, हाइड्रोटोनल, कार्बोपोल, ग्लिसरीन जैसी कई चीज़ों को ऐड किया जाता है। इन सारी चीज़ों का एक मिक्सर बनाया जाता है। दोस्तों, फेयर एंड लवली को बनाने के लिए बड़े से कंटेनर में दूध डाला जाता है, जिसके बाद इसमें मिनरल वाटर और बनाए गए मिक्सर को डाला जाता है। इसके बाद मिक्सर में अच्छी तरह से इसे मिक्स किया जाता है। दोस्तों, अब फेयर एंड लवली पूरी तरह से बन चुकी है। अब इस क्रीम को पैक करने के लिए बड़े से कंटेनर में डाला जाता है, जो कि बड़ी सी मशीन में जुड़ा होता है। यह मशीन अपने आप ही क्रीम को डिब्बों में पैक करती है। ये बड़ी सी मशीन तेजी से तय मात्रा में क्रीम को डिब्बे में भर देती है, जिसके बाद मशीन फेयर एंड लवली के डिब्बे का निचला हिस्सा भी सील कर देती है। कन्वे बेल्ट के जरिए क्रीम को आगे भेजा जाता है, जहां पर इन्हें कागज के बॉक्स में पैक किया जाता है। ये मशीन अपने आप ही तेजी से क्रीम को बॉक्स में पैक कर देती है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से कोरे होने वाली क्रीम को मशीनों में डाला जाता है। अगर आप भी इस क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो को रोज़ाना देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।